Hey guys, it's me, your Rasul. Welcome back to my Goa vlogs. आज का व्लॉग है ओल्ड गोवा या गोवा वेला। ये ओल्ड गोवा पे सबसे बेहतरीन चर्च है, वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट्स है यहाँ पे, वो विजिट करने जा रहा हूँ आज। कैलंगुट से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। ये सब कैलंगुट से पंजिम जाने का रास्ता है। ये सेंट एलेक्स सर्किल है, ऐसे मुझे राइट को जाना पड़ेगा। सीधा मपुसा वो जाने का रास्ता है। रोड तो ऐसे ठीक से नहीं है, मैक्सिमम पंजिम पहुंचे तक भी रोड ऐसे ही ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डे टाइम में टूरिस्ट के घूमना भी बहुत कम हो गया है अभी। ये रोड थोड़ा बेहतर है। ये सब कैलंगुट पंजिम का मेन रोड है। सब रोड्स भी नैरो रोड्स हैं, थोड़ा आराम से ड्राइव करना पड़ेगा। डबल रोड्स ही है बट नैरो टाइप रहते हैं।
अभी पंजिम सिटी पास आ गया हूँ। अभी जो लेफ्ट साइड रोड दिखता है वो भी पंजिम पे जाने का रास्ता है, ऊपर से जाने से अटल सेतु का रास्ता है, अटल सेतु ब्रिज का। नीचे से जाने से सिटी में जाने को इजी होगा, बट मुझे तो सिटी में जाना नहीं है, मुझे तो ओल्ड गोवा जाना है, इसलिए ऊपर से जाने से इजी हो जाएगा। ये तो नया ब्रिज है, 2019 में ओपन हुआ है, अटल सेतु। इंडिया में थर्ड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। नीचे के दो ओल्ड ब्रिज है, उसमें तो ट्रैफिक ज्यादा रहता है, ऊपर से आने से थोड़ा टाइम सेव हो जाता। नवरक बात, ये ब्रिज पे टू व्हीलर्स भी हो या थ्री व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है। अगर टू व्हीलर्स भी हो या ऑटो ऊपर चढ़ेंगे, नीचे जरूर से पुलिस पकड़ के फाइन डालेंगे। ब्रिज के राइट साइड में पंजिम सिटी है, मुझे तो ब्रिज उतर के लेफ्ट को जाना पड़ेगा। ऐसे लेफ्ट साइड को जाना है, ऐसे स्ट्रेट जाने से वास्को डी गामा पहुंच सकते हैं एंड गोवा एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। एंड ओल्ड गोवा जाने के लिए या कर्नाटका जाने के लिए इधर जाना है, लेफ्ट को जाना पड़ेगा। थोड़ा अर्ली से निकलने से 30 मिनट्स में पहुंच सकते हैं मॉर्निंग, और जितना लेट होता जाता है ट्रैफिक भी बढ़ता जाता रहता है।
तो फर्स्ट सेंट अगस्टिन टावर को जाना है। एंड सेंट अगस्टिन टावर से वहाँ पे और चार पांच फेमस चर्च है, प्लस नियरली 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है सर। एक सेंट अगस्टिन टावर ही थोड़ा डिस्टेंस में और रिमेनिंग 3-4 चर्च भी एक ही जगह है, मतलब एक जगह गाड़ी पार्क करके बाई वॉक जा सकते। इसलिए मैं फर्स्ट सेंट अगस्टिन टावर को जाने के लिए डिसाइड हो चुका हूँ। ये जो ओल्ड गोवा के चर्चेस है सब हिस्टोरिकल प्लेसेस है, प्लेसेस सब भी यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नीचे। टूरिस्ट यहाँ पे एंटरटेन होने के लिए कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आर्किटेक्चर देख के मेस्मराइज हो सकते हैं। एंड ओल्ड गोवा चर्चेस सब 400-500 ईयर्स पीछे ही कंस्ट्रक्ट हुए से चर्चेस है। आपको भी थोड़े चर्चेस जैसा बहुत ऐसा ही स्ट्रांग से है और थोड़े चर्चेस ऐसे ही रोइन हो गए हैं। बट जब का आर्किटेक्चर तो बहुत ठीक से अच्छा दिखता है, बहुत इंटरेस्टेड आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आगे जो दिखता है यही जो ओल्ड गोवा चर्चेस है, ये जो व्हाइट टावर के जैसा ऊपर दिखता है ये तो से कैथेड्रल है, और ये कोई बैसिलिका ऑफ बॉम जीसस का है। सेंट अगस्टिन टावर फाइनली यहां तक पहुंच गया हूं। यही जो है सेंट अगस्टिन टावर, ये तो नियरली 400-500 ईयर्स के पीछे का है, बट ये तो मैक्सिमम डैमेज हो चुका है अभी। एक्चुअली ये सब छोटे छोटे चर्चेस का कॉम्प्लेक्स था, इसमें अंदर 8 चैपल्स के कॉम्प्लेक्स है, बट मैक्सिमम डैमेज हो चुका है, बट फिर भी मोस्ट टूरिस्ट विजिट करने का प्लेस है गोवा में, क्योंकि इसका जो 500 इयर्स का बैक का आर्किटेक्चर अभी को भी इतना इंटरेस्टिंग से रहे।
ये टावर का मेन एंट्री है। ये जो सेंट अगस्टिन टावर चर्च, ये नियरली 150 फीट का टावर है। ये सब चैपल्स के कॉम्प्लेक्स है। ये तो सब मैक्सिमम रोइन हो चुका है, डैमेज हो गया है। अभी यहाँ पे जो वर्क चलता है अभी ज़्यादा डैमेज नहीं हो के वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए। ये सब एक एक चैपल का कॉम्प्लेक्स है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये तो 1602 में कंप्लीट हुआ था, 1597 में स्टार्टिंग हुआ कंस्ट्रक्शन, नियरली 5 ईयर्स में कंप्लीट हो गया है। ये सब अगस्टिनियंस का आर्किटेक्चर है। ये अगस्टिनियंस 1835 में यहाँ से निकल गए। वो यहाँ से अभी निकल जाने के बाद जो लोग यहाँ का पोर्चुगीज वालों का नेग्लिजेंस से डैमेज होना स्टार्ट हुआ। जो टावर दिखता है ऐसे पूरे सब चार टावर्स थे। चार टावर्स में पूरा तीन तो पूरा कोलैप्स हो गए, ये एक ही टावर है ये भी मैक्सिमम कोलैप्स हो गया है। अंदर के हर एक चैम्बर पे कोलैप्स हो गया है। जो स्टेज है ये स्टेज से अभी ज्यादा ये वर्क सब ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर वर्क चलता है। सब लैटरेट स्टोन का है। कुछ स्क्रैच करना भी हो या ऊपर जाना भी हो सब मना है। टूरिस्ट के लिए जितना एक्सेसिबल है उतना ही घूम सकते हैं, और थोड़े चैम्बर सबको भी एक्सेसिबल नहीं है टूरिस्ट के लिए, उधर सब जाना रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे क्लोज्ड है उधर जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ये सब चर्च का पहले का प्रेयर करने का प्लेस था। ये हेरिटेज प्लेसेस लाइक करने लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग से रहता है। अच्छा अच्छा क्योंकि ये आर्किटेक्चर स्टाइल एंड इसके अंदर चैम्बर्स
मैक्सिमम सब तो कोलैप्स हो गया है, फिर भी यहाँ पे जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। एंड इसके टाइमिंग्स मॉर्निंग 8:30 से इवनिंग 6 PM तक रहते हैं। एंट्री टिकट कुछ नहीं है, एंट्री इज फ्री। अंदर को मोबाइल्स अलाउड कर सकते हैं बट डिजिटल कैमरा भी हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा अलाउड नहीं है। आपको हाँ एंट्री पे रख के आना पड़ेगा अगर कैमरास लेके आएंगे तो। मैं ये सब सिर्फ मेरा मोबाइल से रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसका 1846 में ही क्लोज कर दिया है इसको, जब तक ठीक था फिर भी 1846 में क्लोज कर दिए। एंड इसके बाद 1871 से इसका कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया है। एक के बाद एक सब कोलैप्स होता आ गया है। यहाँ पे सिर्फ ये दीवार छोड़ के और कुछ भी नहीं है। ये दीवार पूरा सब ये भी कोलैप्स हो गया तो और यहाँ पे एक मेमोरी ही चले जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अभी जितना है अभी यहाँ से डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्राई करता है। यही जो वर्क चलता है अंदर, इसको 1986 में यूनेस्को रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नीचे। ये तो इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड फेमस टावर है। हर एक दीवार भी 500 ईयर्स बैक के मेमोरीज के लिए विटनेस है। एंड वन मोर थिंग, टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए कंपलसरी थोड़े रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो प्लास्टिक फ्री जोन है। एंड और एक थिंग, दीवार पे स्पिटिंग करना ऐसा कुछ गंदे काम नहीं करना है। क्योंकि जो हेरिटेज साइट्स रहते हैं उनका केयरिंग लेना हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो इसको डेवलप नहीं कर सकते, एटलीस्ट डैमेज तो नहीं करना है। एंड इसको विजिट करने के लिए नॉर्मल सीजन में विजिट कर सकते हैं फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। रेनी सीजन में क्लोज्ड रहता है। पीक सीजन में टूरिस्ट का फ्लोटिंग ज्यादा रहता है यहाँ पे।
ये नीचे ये सब पत्थर जो दिखता है उसमें से जो कलेप्स होके जो पत्थर गिरे है वही है। फाइनली हो गया है यहाँ पे एंड और रिमेनिंग चर्चेस देखने के लिए जाना है मुझे। एंड रिमेनिंग जो दो तीन चर्चेस है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से कैथेड्रल सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी वो तो ठीक है, वो भी 400-500 ईयर्स के पीछे की चर्चेस है बट वो तो कलेप्स हुए नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन तो वो रिमेनिंग चर्चेस का कंस्ट्रक्शन तो अभी तक स्ट्रांग है। ऐसे जस्ट 5 मिनट्स लगता है वो चर्चेस को जाने के लिए, बाय वॉक भी जा सकते हैं। मैं तो व्हीकल लेके आया हूँ क्योंकि प्राइवेट कैब से आने से रेंटल कैब में आने से इजी होगा। लिटरली रोड सब मुझे आइडिया है तो इसलिए रेंटल कैब लेके आ चुके हैं। एंड वो चर्चेस के पास पार्किंग फैसिलिटी भी रहता है, तो फ्री पार्किंग नहीं है, पे पार्किंग। अभी 10:30 हो गया, 10:30 को इतना टेम्परेचर है घूमना ही मुश्किल हो जाता है। ये सब चर्चेस के प्रीमिसेस ही है और यहाँ पे थोड़ा खाने के लिए होटल्स भी अवेलेबल रहते हैं। फाइनली पहुंच गया हूँ।
यहाँ पे पार्किंग करके कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे? जो दिखता है ये सब बेसिलिका ऑफ बम जीसस के प्रेमिसेस है, और ना इसका ऑपोजिट सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का प्रेमिसेस है। दो भी एक तो एक ऑपोजिट रहते हैं, कंपलसरी बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। ये है बेसिलिका ऑफ बम जीसस। ये सब पार्किंग एरिया है, थोड़ा डिस्टेंस ही रहता है, नियरली 200 मीटर्स तक डिस्टेंस है। तो पार्किंग करके यहाँ से पैदल में जाना पड़ेगा। एंड ये सब होटल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहते हैं, मतलब गोवा का लोकल चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। आगे से लेफ्ट को जाने से चर्चेस आएंगे। एंड राइट साइड को जो दिखता है बॉम जीसस चर्च एंड लेफ्ट साइड का सेंट फ्रांसिस चर्च। दो भी गोवा के बहुत ब्यूटीफुल चर्चेस हैं। एंड दो भी
यूनेस्को से रिकॉग्नाइज हुई है हेरिटेज प्लेसेस है। इसको दो एंट्री से, आगे से एक मेन एंट्री है और इस साइड से और एक एंट्री है। फाइनली चर्च के अंदर आ चुके हो। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ब्यूटीफुल से लगता है, ऐसा पोर्चुगीज टाइप का आर्किटेक्चर है। ये भी 400-500 ईयर्स के पीछे का चर्च है। बट ये कुछ डैमेज हुआ नहीं, ये सब ठीक है। ये सब अंदर का आर्ट गैलरी है। एंड चर्च के अंदर जो मास करते हैं, प्रेयर करते हैं, वहाँ पे तो पूरा रिस्ट्रिक्टेड है वीडियो निकालना, इसलिए अंदर तो इतना रिकॉर्डिंग तो नहीं किया हूँ। चर्च के टाइमिंग्स का के मॉर्निंग 8:30 से लेके इवनिंग 8 PM तक रहता है। इट्स ए रोमन कैथोलिक चर्च। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। इसमें दो चर्चेस है, इसमें एक साइड आगे से कैथेड्रल है और एक साइड ए सेंट फ्रांसिस चर्च है। एंड इसमें एक एग्जीबिशन है। पिलग्रिमेज ऑफ फेथ। एंड और एक साइड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है अंदर। एक्चुअली ये तो पहले चर्च नहीं था, ये तो पोर्चुगीज के रूलिंग करने टाइम में उनके गवर्नर्स के लिए, ये सब उनके लिए कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसके बाद ये चर्च के नीचे कन्वर्ट किया है। यहाँ पे जो टावर दिखता है तो सेक कैथेड्रल है। एंड इधर लेफ्ट साइड को ये सेंट फ्रांसिस चर्च है। ये भी गोवा में कंपलसरी विजिट करने का प्लेस है। यही है सेक कैथेड्रल चर्च। ये भी गोवा का फेमस चर्च है। 1619 में कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंड इसका आर्किटेक्चर भी एकदम ब्यूटीफुल रहता है। चर्च के टाइमिंग्स आके मॉर्निंग 7:30 से लेकर इवनिंग 6 बजे तक रहते हैं।
एंड मास के टाइमिंग्स भी अलग अलग रहते हैं। मॉर्निंग 5:30 को एक टाइम रहता है, इवनिंग फाइव पे एक बार रहता है, फ्राइडे के दिन मॉर्निंग 7:30 को रहता है मास टाइमिंग्स। अब जो टावर दिखता है ये तो पहले और एक टावर था इस साइड राइट साइड का, बट वो तो पूरा कोलैप्स हो गया है। अंदर वीडियो करना मना है, मैं तो बहुत रिस्की से वीडियो कर रहा हूँ। अंदर इसका आर्किटेक्चर एकदम सुपर है, ये तो 500 ईयर्स के पीछे का है, बट फिर भी अंदर कुछ भी डैमेज हुआ नहीं है। अंदर फोटोज करना एंड वीडियो निकालना है ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। एंड और एक थिंग, ये चर्चेस के पास ड्रेस कोड है कंपलसरी, क्योंकि ये सब तो रिलीजियस प्लेसेस है, इसलिए यहाँ पे ड्रेस कोड कंपलसरी फॉलो करना है। ये तो एग्जीबिशन को जाने का रास्ता है। एक कैथेड्रल चर्च के पीछे ही है एग्जीबिशन, टोटल 17 में स्टार्ट हुआ है, ये सब रिलीजियस रिलेटेड कर एग्जीबिशन है। ऐसे राइट को जाना है, वो तो 2017 में स्टार्ट हुआ है। इसमें सब ये पोप्स के कंट्रीब्यूशंस एंड वो लोग यूज कर सब चीजें एंड आर्ट गैलरी। ऐसे भाई एग्जीबिशन में देखने के लिए रहते हैं, पूरे 5 हॉल्स रहते हैं एंड अंदर कलरफुल लाइटिंग रहता है। एंड यहाँ विजिट करने से हिस्टरी रिलेटेड एंड रिलीजियस रिलेटेड के हिस्टरीज जानने के लिए अवेलेबल रहता है। एंड इसका एंट्री फी भी है, बस नॉमिनल एंट्री फी है, ईच वन 20 रुपीज है, अभी किड्स के लिए नहीं है, ओनली एडल्ट्स के लिए है। यही तो फर्स्ट हॉल है,
गैलरी में हर एक पार्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, मतलब वो कौन सा टाइम में यूज़ किए, कौन यूज़ किए थे। ऐसे हर एक इंफॉर्मेशन डिटेल्स से है यहाँ पे। ये डोली है, ये सब आर्ट गैलरी। ये सब पोप जॉन पॉल के और उनके कंट्रीब्यूशंस के रिलेटेड है। ये सब यही टेक्नोलॉजी का लाइटिंग रख दिया है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइटिंग है, सेंसर्स के थ्रू से काम करते हैं। नहीं तो एग्जिट है, ये सब होली प्लेसेस हैं। सो यहाँ पे घूमने के टाइम भी टूरिस्ट थोड़ा खुद का ध्यान रखना है। ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ये तो अभी क्लोज्ड में है, और उसके पास ही ये सेंट फ्रांसिस चर्च भी है।
वो भी अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का चलता है इसलिए अंदर अलाउड नहीं करते टूरिस्ट को। यही सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च, ये भी एक फेमस ओल्डेस्ट चर्च है। ये म्यूजियम का अंदर को जाने की एंट्री है। ये सब वर्क के टाइम में यूज़ करे, सो सब कलेक्शन यहाँ पे बाहर रहता है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बाहर। वो टाइम के वार में जो जो चीज़ यूज़ किए वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। पर जो लोग भी विजिट करेंगे थोड़ा ध्यान रखे यहाँ पे विजिट करना है, क्योंकि ड्रेस कोड कंपलसरी फॉलो करना है एंड प्लास्टिक फ्री जोन है, कंपलसरी डस्टबिन ही यूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ एंटरटेन के लिए नहीं है, बट यहाँ पे घूमने से यहाँ का हिस्ट्री जान सकते हैं, मतलब जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, यहाँ का हिस्ट्री का फैक्ट्स है, हर एक चीज़ भी यहाँ पे जान सकते हैं। मेरा आज का ट्रिप तो ख़त्म हो गया है, मैं यहाँ से रिटर्न हो चुका हूँ। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। If you like my video, please give a like, subscribe and share. Thank you for watching. Bye bye. See you again in next video. Thank you so much.